हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। इसमें भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस पूछे जा चुके हैं और जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को आता है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये 11 जुलाई को। नेक्स्ट है इसमें 1975 से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि पर्यावरण शिक्षा का कार्यक्रम यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा का कार्यक्रम किस ईयर से आरम्भ हुआ। तो इसका आंसर है 1975। नेक्स्ट है इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शांत घाटी या इसे हम साइलेंट वैली भी कहते हैं, ये केरल में स्थित है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसमें वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर यानी एक हफ्ते तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन और बनता है कि इसी से कहीं कन्फ्यूज मत होना, इसमें आता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है और वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। नेक्स्ट है इसमें एगमार्क, तो ये वस्तु की गुणवत्ता को नापने की एक स्टैंडर्ड यूनिट है। नेक्स्ट है इसमें सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन का सेंटर कहाँ है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसका आंसर है अहमदाबाद में, तो इसकी लॉन्च ईयर है 1984 को। नेक्स्ट है वन महोत्सव इम्पॉर्टेंट है, तो ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अम्ले वर्षा के कारण है ये है, आप ये तो इजी है, SO2 और NO2। पर्यावरण, मानव पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये स्टॉकहोम स्वीडन में 1992 को आयोजित हुआ था। इसी में 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाना इसी सम्मेलन से आरंभ हुआ। नेक्स्ट है पारिस्थितिक पिरामिड में कौन सा हमेशा सीधा होता है, तो सीधा पूछा है, तो ऊर्जा का पिरामिड यानी एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्या का पिरामिड ये हमेशा ये दोनों तरीके का होता है, सीधा और उल्टा दोनों। नेक्स्ट इसमें बायोमास पिरामिड ये स्थल पर, ध्यान से, स्थल पर ये सीधा होता है और जल में ये उल्टा होता है, तो ये पिछले बार ये HNB यूनिवर्सिटी में आया था कि जलीय बायोमास का कौन सा पिरामिड उल्टा होता है, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड उल्टा होता है। नेक्स्ट है यूट्रिफिकेशन का तात्पर्य है ये क्या है, जल निकायों में पादप पोषकों की अधिकता यानी जो पानी में काई वगैरह जम जाती है ना, उसी से संबंधित है। भारतीय पर्यावरण संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो इसकी डेट है 1985 से। हमारे ग्रह में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार क्या है, तो ये इजी क्वेश्चन है, ये है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। जीवों में वृद्धि और वनस्पतियों में कमी नुकसानदेह होगी, किसके कारण होगी, CO2 की, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। EIA तो इसकी फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट है CBD, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है वायु यानी वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण, जो एयर कंट्रोल अधिनियम है वो 1981 को आया था। नेक्स्ट है इसमें ये शॉर्ट वे में बनाए हैं नोट्स, तो एक आपको ताकि जल्दी से प्रोवाइड हो सके, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें यूनेस्को ने 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इंडिया की यूनेस्को द्वारा
धरोहर के रूप में इनको रखा गया है। तो इसमें से जो 30 हैं वो कल्चरल हेरिटेज हैं, कल्चर साइट हैं, और 7 इसमें नेचुरल साइट्स आती हैं, और 1 इसमें मिक्स्ड क्राइटेरिया रखा गया है। तो टोटल मिला के 38 हेरिटेज हैं। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो ये 27 सितंबर 2005 को आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन योजना। ये अधिनियम है, ये योजना है, ये 1 जून 2016 को आई थी। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, इसमें है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 24 दिसंबर 1986 को आया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद में एक HNB यूनिवर्सिटी का प्रीवियस पेपर भी अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।